इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास बिहार से पकड़ी गई महिला पाकिस्तान की सना या यूएस की फरीदा है, यह लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। उसकी असलियत क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है और कई सवालों के जवाब उसके पास मिले डिवाइस में कैद है। इनकी पड़ताल के बाद जो है सभी तस्वीरें स्पष्ट होने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो वहीं नेपाल की किशनगंज सीमा पर पकड़ी गई पाकिस्तानी मूल की अमेरिकन महिला फरीदा मलिक और सना अख्तर पूछताछ के जांच में जो है अधिकारियों के समक्ष कोई खुलासे नहीं की है। तो वहीं बता दें आपको कि कभी भारत में ससुराल बताती है तो कभी ननिहाल तो कभी भाई के रहने की बात बताकर बड़गड़ा रही है महिला। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के बाद उसके पास से बरामद 3 मोबाइल फोन, 1 टैब और 2 मेमोरी कार्ड जब्त कर विदेशी अधिनियम उल्लंघन एवं दोहरी नागरिकता के आरोप में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। अब गिरफ्तार महिला के मोबाइल, टैब और मेमोरी कार्ड से जो है 2 नाम एवं भारत में आने का राज खुलेगा। तो वहीं बता दें आपको कि पूछताछ के दौरान महिला का अभद्र व्यवहार और असंतोषजनक जवाब भी कई आशंका को जन्म दे रहा है। महिला के पास से 2 नामों से बरामद हवाई टिकट और बोर्डिंग पास की भी पड़ताल की जा रही है। तो वहीं आखिर महिला कहां कहां देश में भ्रमण की है और वहां उसका क्या कनेक्शन था, 2 नामों वाली महिला पूछताछ में जो है सब कुछ नहीं बताया। लेकिन देखा जाए तो उसके पास से तकनीकी उपकरण की जांच से जो है भारत आने और नेपाल जाने का सच्चाई सामने आ जाएगा। तो वहीं बता दें आपको कि इस दौरान वह किस किस के संपर्क में आई थी इसका भी खुलासा होगा। हालांकि पुलिस उसके पास से बरामद सभी सामानों को सुरक्षित रख दी है। तो वहीं ताकि उच्च तकनीक और किसी जांच एजेंसी के माध्यम से जो है जांच किया जाए इसको लेकर भी पुलिस तैयारी कर रही है। वहीं यूएस जो जाने की बात जो है लगातार सामने निकल के आ रही थी, वहीं यूएस जाने के बाद फिर आ गई वापस क्यों महिला, ये भी लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं जानकारी के अनुसार देश विभाजन से पहले गिरफ्तार महिला के परिजन भारत के जयपुर में रहते थे। वहीं देखा जाए तो देश विभाजन के बाद जो है तमाम लोग जो है महिला के कराची पाकिस्तान चले गए। वहीं गिरफ्तार महिला की जो ननिहाल है वो राजस्थान में बताई जा रही है। राजस्थान के अजमेर में गिरफ्तार महिला वर्ष 1984 में पाकिस्तान से यूएस के वर्जीनिया चली गई। तो वहीं 1992 में यूएस में रहते हुए ग्रीन कार्ड हासिल की और यूएस की नागरिकता जो है पाली महिला ने, वहीं फिर नागरिक बन गई। वहीं फिर यूएस के वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई महिला। बताया जा रहा है कि जो इसी दौरान महिला एक भारतीय व्यक्ति से निकाह कर ली और लेकिन कुछ सालों के बाद ही तलाक महिला को हो गया। उसके पति तलाक के बाद भारत वापस लौट आए। वहीं महिला वर्ष 2019 में भारत आई और लेकिन इस दौरान उसका वीजा खत्म होने पर उत्तराखंड में जो है बेनबासा भारत नेपाल सीमा से नेपाल जाने के दौरान जो है एसएसबी ने गिरफ्तार कर लिया और वहीं महिला 11 माह तक उत्तराखंड के जेल में रही थी। उत्तराखंड में सजा समाप्त होने के बाद जो है उसे वापस यूएस भेज दिया गया, लेकिन फिर वापस अवैध तरीके से भारत प्रवेश कर गई महिला। उसके बाद नाम बदलकर अवैध तरीके से भारत प्रवेश करना भी कई सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं बता दें आपको कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास जितनी भी सामानें मिली है उसकी लगातार जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर महिला का मकसद क्या है, पाकिस्तानी मूल की अमेरिकन महिला बिहार जो है क्यों आई, भारत क्यों आने की कोशिश करी थी वो भी अवैध तरीके से। फिलहाल तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है। तो वहीं देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है। फिलहाल महिला को जेल में भेज दिया गया है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।